हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टार्कनेट एयरड्रॉप के बारे में कि कैसे आप इनके आने वाले एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक इंग्लिश आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी तक स्टार्कनेट ने 280 मिलियन यूएस डॉलर रेज कर चुके हैं और अगर आप इनके टोकनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे 8.1% टोकन को रिजर्व किया गया है आने वाले एयरड्रॉप के लिए। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। आर्बिट्रम की तरह यहाँ पे आपको पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके ब्रिज करना है और उसके बाद आपको कुछ प्रोटोकॉल्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ब्रिजेस शो करूँगा जिसमें हम जाके ब्रिज करेंगे। पहला है इनका खुद का ऑफिशियल ब्रिज स्टार्क गेट, दूसरा है ऑर्बिटर और उसके बाद हम यहाँ पे 3 DApps को यूज़ करेंगे। पहला है 10K Alpha, दूसरा है MySwap, तीसरा है JDSwap। तो ये वो DApps जिसे हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मिंट स्क्वायर यूज़ करेंगे एक NFTs को मिंट करने के लिए। तो अगर आप इन चीज़ों को हफ्ते में 2 बार करते हैं या फिर महीने में 7-8 बार करते हैं तो आई एम श्योर यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है जब यहाँ पे इनकी टीम एयरड्रॉप करेगी। तो मेक श्योर आप यहाँ पे 1 बार करके ना छोड़ें। जिस एड्रेस से भी आप कर रहे हैं उस एड्रेस के ऊपर इथेरियम को हमेशा रखें, भले ही आप वहाँ पे 15-20 डॉलर का इथेरियम छोड़ के रखें लेकिन रखें। तो चलते हैं हमारे पहले स्टेप की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपके पास होना चाहिए एक मेटामास्क का वॉलेट और दूसरा आपके पास होना चाहिए एक स्टार्कनेट का वॉलेट। स्टार्कनेट के लिए आप यहाँ पे इस समय 2 वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं, पहला है अर्जेंट एक्स और दूसरा है ब्रावोस। मैं यहाँ पे अर्जेंट एक्स यूज़ करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं हमेशा इसी को यूज़ करता हूँ और इसे आप यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर से भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। वॉलेट को सेटअप करना बहुत ही ईजी है, जैसा कि हम मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट में करते हैं ठीक उसी तरीके से आपको अर्जेंट एक्स के वॉलेट को भी सेटअप कर लेना है। वॉलेट के सेटअप होने के बाद अब हम यहाँ पे अपने सबसे पहले ब्रिज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपको अपने इथेरियम वॉलेट को कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपने स्टार्कनेट वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इथेरियम वॉलेट को सेलेक्ट करता हूँ और अपने मेटामास्क वॉलेट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। हमारा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे यह हमें कह रहा है कि अपने स्टार्कनेट वॉलेट को भी कनेक्ट करो, इस पर क्लिक करेंगे और ये भी हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो इथेरियम वॉलेट में मेटामास्क कनेक्ट हुआ है, स्टार्कनेट वॉलेट में अर्जेंट एक्स कनेक्ट हुआ है और इस समय मेरे पास 0.06 इथेरियम है मेननेट के ऊपर और इसे हम यहाँ पे ब्रिज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ 0.025 और इसे हम ब्रिज करेंगे इथेरियम से स्टार्कनेट के ऊपर। ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क से आपको एक कंफर्मेशन नोटिफिकेशन आएगा, कंफर्म पे क्लिक करेंगे और हमारा जो ट्रांसफर है वो अभी प्रोग्रेस में है। अब ये कह रहा है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सेंड हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्कनेट के ऊपर। आप ईथर स्कैन पे जाके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं और स्टार्क स्कैन के ऊपर जाके देख सकते हैं कि आपको फंड रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और हमारे वॉलेट को एक बार चेक कर लेते हैं कि उस पर हमें फंड रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी तक यहाँ पे मुझे फंड रिसीव नहीं हुआ है, ऊपर से ये कह रहा है कि नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा समय कंजेस्टेड है तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है वो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम ले सकता है। अगर हम विड्रॉ करने की बात करते हैं तो आपको वो आज नहीं करना है। ऐसा मत किया करें कि आपने आज ही डिपॉजिट किया और आपने आज ही विड्रॉ कर लिया। आप यहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन का वेट करें और उसके बाद यहाँ पे आप विड्रॉ करें और जब आप विड्रॉ करें तो पूरा अमाउंट एक साथ विड्रॉ मत करें, एक छोटा अमाउंट अपने वॉलेट में हमेशा छोड़ के रखें। विड्रॉ करना भी उतना ही आसान है, यहाँ पे आपको अमाउंट टाइप करना है और उसके बाद ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और आपका जो फंड है वो स्टार्कनेट से इथेरियम मेननेट के ऊपर आ जाएगा। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इथेरियम के अलावा इस समय ये पॉलीकॉन, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म को भी सपोर्ट करता है। मैंने यहाँ पे इथेरियम से ऑलरेडी डिपॉजिट कर लिया है, 1-2 बार मैं यहाँ पे आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म से भी कर लूंगा। अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पे इथेरियम के अलावा आर्बिट्रम या फिर ऑप्टिमिज्म को भी यूज कर सकते हैं लेकिन इथेरियम को आप डेफिनेटली यूज कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे इथेरियम एक अच्छा खासा क्राइटेरिया हो सकता है। तो करीब 10 से 15 मिनट के बाद मुझे मेरा फंड स्टार्कनेट नेटवर्क के ऊपर रिसीव हो चुका है और यहाँ पे अपडेट भी हो चुका है वॉलेट के अंदर। तो जब आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे होंगे, ब्रिज कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि स्टार्कनेट का जो नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है और वो इसलिए है क्योंकि आर्बिटर मीड्रॉप के बाद अचानक से स्टार्कगेट ZK Sync के ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस समय इनको यूज़ कर रहे हैं इस कोशिश में कि शायद उनका नंबर भी लग जाए जब इनका एयरड्रॉप अनाउंस हो।
लेकिन आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया ठीक वैसे ही करना है। डेली सारे ट्रांजेक्शन मत कीजिए, हर 2-3 दिन के बाद यानी कि हफ्ते में कम से कम 2 बार और महीने में 8 बार करें और इस चीज को आप करते रहें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्टार्कनेट के ऑफिशियल टारगेट ब्रिज को यूज करना है। सेकेंड नंबर पे है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर में भी आप यहाँ पे टोकन को सिलेक्ट कर सकते हैं और किस नेटवर्क से आपको यहाँ पे ब्रिज करना है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इथेरियम मेननेट से इनके मेन ब्रिज को यूज कर लिया है। यहाँ पे आप कम फीस वाले नेटवर्क को चूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आर्बिट्रम को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं 0.01 इथेरियम को ब्रिज करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सेंड के ऊपर, तो ये मुझे बता रहा है कि इस समय स्टार्कनेट नेटवर्क का जो ट्रांजेक्शन है वो मेंटेनेंस के ऊपर है। तो ऑर्बिटर पे इस समय ये ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद ट्राई कीजिएगा और उसके बाद आप इस चीज को भी पूरा कर लीजिएगा। ऑर्बिटर के बाद अब हमें यहाँ पे कुछ डी एप्स को यूज करना है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपको उसी को यूज करना है। अगर आप इनके स्टार्कनेट इकोसिस्टम पे जाएंगे तो यहाँ पे इस समय बहुत सारे डी एप्स हैं जो लाइव है, ऑल को आप चूज कर सकते हैं। अगर आप ब्रिज की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे डी एप्स हैं जो इस ब्रिज को यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑर्बिटर फाइनेंस यूज करें। डाओ पे आप क्लिक करके डाओ वाले डी एप्स चेकआउट कर सकते हैं। गवर्नेंस पे क्लिक करके आपको गवर्नेंस वाले डी एप्स देखने को मिल जाएंगे। एनएफटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको एनएफटीज वाले डी एप मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं और ये सारे के सारे सब मेननेट के ऊपर हैं। तो वापस चलते हैं और हमारे पहले डी एप को यूज करते हैं जिसका नाम है 10kswap.com। यहाँ पे आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है और यहाँ पे आप ब्रावोज या अर्जेंट एक्स यूज कर सकते हैं। तो अर्जेंट एक्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कनेक्ट। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर इथेरियम सिलेक्ट रहेगा और नीचे मैं यहाँ पे यूज करूंगा USDC या फिर USDT। तो मैं यहाँ पे 0.01 इथेरियम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और 16 USDC को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन की है और कितना वॉल्यूम जनरेट किया है। तो अगर आप यहाँ पे $16 के हिसाब से वीक में 2 बार करते हैं तो $32 हो जाएगा और मंथ में 8 बार करते हैं आप 16x8 कर लीजिएगा। और ये चीज को आपको तब तक करते रहना है जब तक कि इनका एयरड्रॉप अनाउंस नहीं हो जाता है। तो अभी हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो पेंडिंग में है और जैसा कि आपने देखा कि इस समय जो नेटवर्क है काफी ज्यादा कंजेस्टेड है। आप अपने वॉलेट में जाके इस ट्रांजेक्शन को भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अप्रूव एंड स्वैप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय ये 23 मिनट दिखा रहा है इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में। तो काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम ले रहा है और टाइम क्यों ले रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो करीब 25 मिनट वेट करने के बाद मुझे यहाँ पे USDC रिसीव हो चुका है। तो आप सोचिए कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कितना वेट करना पड़ रहा है ताकि मैं आपको एक एक स्टेप क्लियरली शो करूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस तरीके से आपको 10kswap.com पे जाना है और स्वैप करना है, 1-2 बार कर लीजिएगा। उसके बाद हम पूल पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड करेंगे। लिक्विडिटी को ऐड करना बहुत सिंपल सा है, आप न्यू पोजीशन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले पेयर के अंदर ऐड करेंगे ईथ एंड USDC पेयर के अंदर। ऐड लिक्विडिटी के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे 17 USDC है तो मैं यहाँ पे 15 टाइप कर लेता हूँ और इसी के इक्विवेलेंट अमाउंट का इथेरियम अपने आप ये ले लेगा। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म सप्लाई, कन्फर्म। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनका नेटवर्क इतना ज्यादा कंजेस्टेड है कि एक एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में ये यहाँ पे 20 से 25 मिनट ले रहे हैं। जैसा कि हमने अभी USDC में जो स्वैप किया था वहां पे इसने करीब 25 मिनट ले लिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगेन हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो पेंडिंग में चला गया है और मेरे ख्याल से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना टाइम लेगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट होने में कम से कम 19 मिनट लगेंगे। यानी कि अब मुझे 19 मिनट तक वेट करना होगा तब मैं आपको अगले स्टेप के ऊपर लेके जाऊंगा। तो जैसे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू करता हूं। तो अगेन यहां पे करीब 20 से 25 मिनट के बाद ये जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और कसम से स्टार्कनेट के ऊपर इतना अगर स्लो रहेगा तो काम बहुत स्लो होगा। तो इस तरीके से आपको जाके यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड करना होता है और अपनी लिक्विडिटी को रिमूव करने के लिए आपको क्लिक करना होगा माई पूल्स के अंदर और यहाँ पे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कितना परसेंटेज आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जैसे कि 3-4 दिनों के बाद आप यहाँ पे 100% पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अप्रूव कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको रिमूव का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से आपको 10k स्वैप के ऊपर जाके स्वैप करना है और पूल में जाके लिक्विडिटी ऐड करनी है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि काफी ज्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अब आपको आगे के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं यानी कि जितने भी डी एप्स हैं वहाँ पे मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको ऊपर से बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। अदरवाइज ये जो वीडियो है मुझे रिकॉर्ड करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद उसे एडिट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेसिकली अब आपको अगले डी एप पे जाना है myswap.xyz के ऊपर, अपने वॉलेट को आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा, आई अंडरस्टैंड, और यहाँ पे भी आपको स्वैप करना है। तो आप
ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा इथेरियम को, नीचे आप यूज़ कर लीजिएगा यूएसडीटी या फिर यूएसडीसी को। स्वैप करने के बाद आपको पूल पे जाना है और यहाँ पे अगेन आप इथेरियम या फिर यूएसडीटी या फिर यूएसडीसी में से किसी भी एक टोकन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे भी आप किसी भी टोकन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम अमाउंट में आपको यहाँ पे टोकन्स को ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लिक्विडिटी ऐड करनी है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होने वाला है जो हमने 10 के स्वैप के ऊपर किया था। इसके बाद थर्ड नंबर पे है आपका जेडी स्वैप और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा आई अंडरस्टैंड द रिस्क के ऊपर और अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी सेम टू सेम आपको करना है, इथेरियम से आप स्वैप कर लीजिएगा अगेन किसी स्टेबल कॉइन के अंदर और फिर आप उसे यहाँ पे बाय कर लीजिएगा। अगेन आपको पूल पे जाना है और यहाँ पे भी आपको जाके लिक्विडिटी ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट पेयर है और ऐड लिक्विडिटी है, आप ऐड लिक्विडिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आप पेयर चूज कर लेंगे तो अगेन आप यूएसडीसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर अमाउंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जेडी स्वैप के ऊपर भी जाके स्वैप करना है और लिक्विडिटी को ऐड करना है। आखिरी में है मिंट स्क्वायर, जहाँ पे आपको जाके एक एनएफटी को मिंट करना है। तो बहुत सिंपल सा है, अपलोड पे क्लिक कीजिएगा और किसी भी एक पिक्चर को आप चूज कर लीजिएगा एनएफटी को मिंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। मिंट पे क्लिक करेंगे और आपका जो फोटो है वो मिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मिंट स्क्वायर के ऊपर जाके स्टार्कनेट नेटवर्क के ऊपर एक एनएफटी भी मिंट कर पाएंगे। तो बस ये 4-5 चीजें आपको करनी है। जो मेन है वो है इनका ब्रिज और उसके बाद कितने डी एप्स, कितने प्रोटोकॉल्स और कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई और नई अपडेट आएगी स्टार्कनेट के ऊपर तो वो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो टेस्टनेट के ऊपर चल रहा है स्टार्कनेट के ऊपर, तो ये वो दो लिंक है जहाँ पे जाके आप गोरेली के ऊपर अपने इथेरियम को क्लेम कर सकते हैं फॉसेट में यूज़ करने के लिए। तो इनके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ताकि आप अभी से ही इनके नेटवर्क के ऊपर गोरेली इथेरियम को क्लेम करते रहें और जब टेस्टनेट आएगा किसी भी प्रोटोकॉल के ऊपर तो आपको यूज़ करने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये था एक वीडियो स्टार्कनेट के ऊपर। उम्मीद है कि यहाँ पे मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। मेक श्योर कि आप यहाँ पे इन चीज़ों को सीरियसली लें क्योंकि आर्बिट्रम पे काफ़ी सारे लोगों ने मिस कर दिया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ों को मिस करें। स्टार्कनेट के बाद अब मैं आपके लिए अगला वीडियो जीके सिंह पे लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप स्टार्कनेट के ऊपर ट्रांजेक्शन कीजिए, इसे अच्छे से फॉलो कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।